शादी के बाद रोमांस कम क्यों हो जाता है क्यों हो जाता है मुझे अभी तक तो पता नहीं है मेरी शादी नहीं हुई है <laughs> so, लेकिन आपकी <laughs> इनकी हुई like like है मुझे लगता तो नहीं कम हुआ है रोमांस इनका। प्यार को आदत बन जाना चाहिए मगर वो आदत जो है हर रोज मतलब हमें एहसास भी कराना चाहिए तिवारी और प्रकाश मेमोरी ऑफ सुशांत सिंह राजपूत आई थिंक I'm Tushar Pandey and I'm Deepika Singh and you're watching Bollywood, Bollywood Hangama. Rapid fire with Tushar. What was the biggest learning lesson for you while working with the legendary actor Agubir Yadav? I think one thing uh, very similar that I had with uh, Bachchan sir is even after working so much, they still find that bachpana when they're shooting. You know, every scene is about what should I

क्या ये एक अच्छी बात है कि आप अपनी बीवी की अर्निंग के ऊपर आप जिंदा रहने की कोशिश करें वाई नॉट आई थिंक जिंदा रहने की और एज लॉन्ग एज देर इज़ उन दोनों के बीच में तालमेल सही है और uh, अगर लड़का लड़की को सपोर्ट कर सकता है तो लड़की भी लड़के को सपोर्ट कर सकती है एंड आई नो पीपल हु आर फॉलोइंग द पैशन इन लाइफ एंड राइटिंग अ बुक एंड नॉट वर्किंग एंड द वाइफ इज़ वर्किंग आई हैव अ फ्रेंड

है। मतलब सक्सेसफुल ऐसा नहीं घर में बैठा करा कमाले या कोई और बट वो जो रास्ता है ना चौथी सीढ़ी में कूदने का कि के एक है कि कोई लड़का हाँ, का तो लड़का। कभी अपनी बीवी को हाँ, शादी के बाद कभी एक लड़की से तो पूछा नहीं जाता कि वो अपने माँ बाप का नहीं लड़की से क्यों आगे बोलती नहीं है वो माँ स्टॉप हो जाता है समझ जाओ सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं क्यों होता है Just. क्योंकि कहीं ना कहीं लड़के पे ये माना जाता है कि शादी के बाद लड़के के घर में रुकेंगे अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो ये तो मान लिया जाता है कि अरे लड़के के बाप बाप तो लड़के के साथ रहते ही हैं तो वो तो साथ का हो गया तो वो सोचा भी नहीं जाता कि अच्छा आपको लड़के अपने माँ बाप का ध्यान रखना है और लड़की बिकॉज यूजली इन द इन नाव इन आर इंडियन सेटअप यूजअली मूव टू द लड़काज हाउस तो वो तो एक परिवार हो गया तो लड़के से तो नहीं पूछा जाता कि माँ बाप खाना क्या खाएंगे या आज घर में एक साथ खाएंगे या नहीं खाएंगे तो लड़की से क्यों पूछा जाता है आई थिंक दैट इज वॉट वी क्वेश्चन राइट ना बट इट इज़ चेंजिंग नाउ एटलीस्ट इन मेट्रोज की लड़का लड़की शादी कर अपने आप अलग रहना शुरू कर देते हैं एंड मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके माँ बाप लड़के के माँ बाप एक फ्लोर ऊपर रहते हैं लड़की के माँ बाप सेकेंड फ्लोर में रहते हैं और सब बॉम्बे के बाहर के हैं तो अब थोड़ा सा वो शुरू होने लग गया है कि आ, लड़के के माँ बाप लड़की के माँ बाप अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है बट मेजोरिटी तो इंडिया में यही है कि लड़के के माँ बाप पार्ट ऑफ फैमिली हैं लड़की के थोड़े अच्छे शादी के बाद रोमांस कम क्यों हो जाता है क्यों हो जाता है मुझे अभी तक तो पता नहीं है मेरी शादी नहीं हुई है लेकिन <laughs> आपकी इनकी हुई है मुझे गौन लगता तो नहीं, नहीं कम था। हुआ है रोमांस इनका ऐसे कहते हैं आदमी रोजमर्रा की कि, कि आई थिंक बातों में इतना क्या मोनोटनी हो, जाती है शायद इसलिए कि आपको लगता है ये तो है ही आई डोंट नो मतलब मुझे भी नहीं पता मैं कल आई तो आई नॉट कुछ आप जवाब देना चाहिए आप क्या देना चाहती हो जाता है कम Uh, नहीं मैं ये तो नहीं सोचती कि वरना मैं इतना बड़ा रोल नहीं खेलता <laughs> नहीं ये तो जोक अ पार्ट बट मुझे ऐसा लगता नहीं है मुझे लगता है कि यू नो आप जैसे रितेश जी ने एक शो में बात की थी यू you नो know, कि प्यार को आदत बन जाना चाहिए मगर वो आदत जो है हर रोज मतलब हमें एहसास भी कराना चाहिए दैट वी लव यू बिकॉज uh, uh, चाहे वो छोटी छोटी बातों से हो तो वो चाहे बट रोज रोज तो बहुत पॉसिबल नहीं होता है हाँ चार दिन में कर दिया एक टेक्स्ट हो गया या यू नो हार्ट भेज देना तो मुझे लगता है कि

वहाँ थी बट एन एस डी गेम प्रोफेशनल अच्छा यार ये सीरियस बिजनेस एक्टिंग पढ़ना और एक्टिंग बहुत सीरियस चीज है तो आई विल चूज नेशनल स्कूल ड्रामा फर्स्ट ओके नितिश तिवारी और प्रकाश शाहरुदीज आर इंस्पिरे एंड होल्ड थिंग्स आँखें इन जब मैं स्टेज पर भी इनको देखता हूँ दे शोज पे आँखें नहीं हटती हैं एंड दैट इज समथिंग एज एन एक्टर आई एस्पायर टू कि वैन एम परफॉर्मिंग ऑन स्टेज बिकॉज आई कीप डूइंग थियेटर ऑल्सो दैट यू नो आई फाई कैन जस्ट गेट दैट स्पेस पीपल लुक एट मी वैन एवर एम वो कहीं भी होते हैं स्टेज में डायलॉग हो ना हो hmm. आंख रहता है आई थिंक ही इज ब्रिलियंट विद वॉट एवर स्पोर्ट यू प्ले Like uh, table tennis, uh, uh, pool, whatever you play, brilliant. I mean, never lost. You could write with both the hands, mirror image. So, we used to do this challenge where he would uh, write a word and the mirror image with the other hand, which was brilliant. I mean, yes, he is. He is. I mean, yeah, he's alive. He'll right always in your be alive. A... Obviously, mm, because mm. you spend and he's an inspiration and uh, people live with you. And I think whatever I do, I kind of feel, you know, you have to. Use that inspiration and work as hard. Hi, I'm Tushar Pandey. And I'm Deepika Singh. And you're watching Bollywood, Bollywood Hangama. Hangama.